हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेसफुल चैंपियन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास टेंथ के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम सॉल्व करने वाले इसका फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने से पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो 7x² प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2y² प्लस 3y प्लस 9, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन 7y², ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 15z², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। m² प्लस 8, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास गिवन है x प्लस 1² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये बन गया a प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है x, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर। चलिए, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बन गया। ए स्क्वेयर क्या हो गया, ए की जगह तो x है, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर। बी स्क्वेयर, बी की जगह क्या है हमारे पास 1 स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह क्या है x, और हमारे पास b की जगह क्या है 1। हमने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वेयर फार्मूला लगा के, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x। अभी तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया सिर्फ एक्स प्लस 1² को, एक्स प्लस 1² को। अभी 2 इंटू एक्स माइनस 3 भी है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 भी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2x, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 6। अभी x प्लस 1² और 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को, जो वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आइए और कॉन्स्टेंट्स को भी इसी तरफ ले आइए, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, 2x भी इस तरफ ले आए, माइनस 6 भी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को इधर ले आए, कॉन्स्टेंट्स को भी ले आए, एक्स वाली को भी ले आए, ये बन गया एक्स स्क्वेयर। 2x के साथ 2x कैंसिल आउट, 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी चाहिए, यहाँ एक एक्स वाली होनी चाहिए थी और एक कांस्टेंट, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 7। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 7। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर ये कंडीशन है कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी ही चाहिए। क्लास टेंथ के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।